यूपी की राजनीति में यूं तो तमाम किस्से फैले हुए हैं। राजनेताओं की ऐसे ऐसी कहानियां हैं, ऐसे ऐसे किस्से हैं जो जितनी बार सुनिए उतनी बार ही वो नयापन लगता है। ऐसी ही एक कहानी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये कहानी है समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह और उनके बेटे अखिलेश यादव के रिश्तों को लेकर। उनके दोनों के रिश्ते आखिरी वक्त में जब अध्यक्ष बने थे अखिलेश यादव, उस वक्त भले ही मुलायम सिंह ने ये पहली बार कहा था कि जितना अपमान अखिलेश यादव ने उनका किया है उतना उससे पहले किसी ने नहीं किया है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है इसका, और वो पहलू तब समझ में आता है जब एक किताब लिखी जाती है। किताब लिखी जाती है अखिलेश यादव के जीवन पर, और लिखने वाली हैं सुनीता एरन, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो दोनों यानी पिता पुत्र के रिश्ते के बारे में एक किस्सा शेयर करती हैं। किताब में वो लिखती हैं कि एक बार की बात है, साल 1990 था, तब मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव और उनका एक जरूरी काम से इटावा जाना पड़ रहा था। वो लखनऊ से इटावा हेलीकॉप्टर से पहुंचे और तब अखिलेश यादव बेहद कम उम्र के थे, यानी बाल रूप में थे या युवा हो रहे थे धीरे धीरे। इसी दौरान उनको लगा कि अगर पिता आए हैं और वो भी हेलीकॉप्टर से आए हैं, जो कि यदा कदा ही होता था क्योंकि बहुत खास मौका था, इसलिए मुलायम सिंह लखनऊ से इटावा हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे, अन्यथा वो हमेशा अपनी फ्लीट के साथ पहुंचते थे। अखिलेश यादव का मन हुआ कि लाओ इस हेलीकॉप्टर में सफ़र किया जाए, और उनकी ये तमन्ना थी, और वो टकटकी लगाए हुए इस बात को देख रहे थे कि शायद मुलायम सिंह यादव उनसे कहें और उनको बैठने का मौका दे दें। लेकिन ये मौका जब आता हुआ नहीं देखा तो अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह से कहा कि मुझे भी हेलीकॉप्टर में बैठा दीजिए। मुलायम सिंह यादव ने पहले उन्हें मना किया, लेकिन जब अखिलेश यादव ने जिद की, थोड़ा नानुकुर किया और थोड़ा रूठने जैसा चेहरा बनाया, तब उन्होंने उन्हें फटकारते हुए कहा, यानी मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव से कहा, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये बात सुनकर अखिलेश यादव थोड़ा निराश हुए और उसके बाद वापस घर चले गए, यानी इटावा में जहाँ पर वो अपने घर में रहते थे उसी घर में फिर वो अपने चले गए। ये बात आई गई चली गई, लेकिन अखिलेश यादव से इसी को लेकर के जब एक बार सवाल पूछा गया और पिता पुत्र के रिश्तों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि मुलायम सिंह यादव भले ही अपनी जनता के बीच में इतने घुलते मिलते रहे हों, इतने प्रेम से अपने कार्यकर्ताओं से बात करते रहे हों, कितना भी वो रहे हों, लेकिन वो हमेशा एक पिता के तौर पर बेहद सख्त रहे। हालांकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखा, और इस बात को अखिलेश एडमिट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने हमेशा पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने की बात कही, और जब तक वो पिता के रूप में रहे तब उन्होंने हमेशा सख्ती दिखाई। उन्हें बोर्डिंग स्कूल में डाला गया, उन्हें आर्मी स्कूल में डाला गया, और उसके बाद उन्हें पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया तक भेज दिया गया। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आने के बाद अखिलेश यादव सांसद बने, और उन्हीं की सरपरस्ती में, यानी अपने पिता मुलायम सिंह की सरपरस्ती में वो सांसद बने और संसद का सफर तय किया। उन्हीं की सरपरस्ती में अखिलेश यादव CM भी बने। अखिलेश यादव इस बात का जब उनसे पूछा गया था एक इंटरव्यू के दौरान कि आपको आपके पिता ने हेलीकॉप्टर में बैठाने से इंकार कर दिया था, आपको डांट दिया था, तो अखिलेश यादव ने गर्व से कहा था कि हाँ, एक पिता के तौर पर वो हमेशा सख्त थे, लेकिन आज उन्हीं के देन है, उन्हीं की सख्ती और उन्हीं के एक पालन का असर है कि आज मैं खुद मुख्यमंत्री हूँ और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक मैं पहुँचा हूँ। इसके पीछे उन्हीं का ये लालन पालन और उन्हीं के संस्कार और उन्हीं के आदर्श। उन्होंने हमेशा एक मुख्यमंत्री और एक बेटे का लोभ कम दिखाते हुए एक पिता का रूप उनके अंदर हमेशा अखिलेश के साथ रहा। अब मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं है, अखिलेश अकेले हैं, लेकिन अखिलेश यादव उनकी विरासत को संभाले हुए हैं, और ऐसे तमाम किस्सों को आगे भी मैं आपके सामने लाता रहूँगा। फिलहाल इस किस्से में इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया प्लस के साथ। नमस्कार।